ध्यान देबे की नहीं आवा खा ना आवा देबा तब न ले तोरे हटवा से छीन लेब हम आवा ला ये लावा पनवा खा करके करके बतियावलन तो दुकानदारवा समझ जाला आवा गुरु यार आवा चाय पान लड़े यार भाई साहब हमरा चार तो पकौड़ा पैक कर देबे गरम कर दिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो अगर आप वाराणसी की यात्रा पर हैं और यहाँ आपको कुछ खाने का पीने का मन करता है तो कचौड़ी गली, इसको फेमस है कचौड़ी गली के नाम से, यहाँ आना मत भूलिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कटलेट, समोसा, मिर्चा और ये जो टमाटर के जो पकौड़े बने हैं पूरी तरह से इन्होंने तैयार किए हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। कितने के दे रहे हैं? क्या चीज़? ये पकौड़ा, मिर्चा, ये सब 10 रुपये पीस है, 20 रुपये प्लेट है, 30 रुपीज़ प्लेट है। और तो आपके दुकान पे ये सब मिलता है, इसको कैसे तैयारी करते हैं, इसके पहले क्या करते हैं? इसके पहले इसके अंदर आलू का स्टफ करके उसको बेसन में ड्राई करके फिर बनाते हैं। अगर कोई बाहरी यात्री आए यहाँ खाना चाहे तो आप उसको कैसे बताएंगे इसमें क्या है, आप उसको कैसे बताएंगे? क्लियर बताएंगे कि इसके अंदर क्या है। जैसे टोमेटो है, हाफ टोमेटो हाफ स्टफ करके उसको ड्राई करके बेसन में तब उसको बनाते हैं, उसके बाद उसको चाट बना के तब टमाटर चाट होगा। खिलाएंगे हमको? बिल्कुल बेशक, क्यों नहीं। तो इनका कहना है कि हम ये खिलाएंगे, तब तक हमारे साथ श्रीधर सर हैं जो वाराणसी को कवर करते हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर क्या है यहाँ पर बनारस में? तो देखिए नाश्ते में सबसे पहले तो कचौड़ी जलेबी है, और उसके बाद जो है आपका कचौड़ी जलेबी में भी 2-3 आइटम है, सूखा कचौड़ी है, छोटा कचौड़ी है। शाम को चूँकि बनारस शहर जीवंत शहर है और खान पान का बेहद शौकीन शहर है, तो इनके यहाँ ये आलू चप और ये पकौड़ी समोसा और ये आपका मलाई चप पनीर पकौड़ा इनका बहुत मशहूर है। गुलाब जामुन, लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने सुबह बिना खाए पिए आते हैं, दर्शन पूजन के बाद इनके यहाँ इसका अपना क्षुधा शांत करते हैं और उसके बाद फिर अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। तो अच्छा एक चीज़ हमको आप बताइए, संतोष जी हमारे साथ यहाँ के हैं, लोकल के हैं, यहाँ पर लोग खा रहे हैं, मस्त हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ बताइए, मान लीजिए मैं बनारस आया और यहाँ पर मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास घूम रहा हूँ, तब तक इस दुकान पे आ गया, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या खानी चाहिए आपकी नज़र में? टमाटर चाट खानी चाहिए। एक चीज़ को इन्होंने मिस कर दिया, उसको कहते हैं बनारसी पान, जो कि बनारसी पान बहुत फेमस है, लोग कहते हैं खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। तो श्रीधर जी ने भी हमें बताया और गर्ग जी ने भी बताया, लेकिन जो बनारसी पान का जो टेस्ट है, अच्छा क्या गुरु कैसन हुआ? बहुत बढ़िया। देखा ये, हाँ कैसन हुआ बताओ? बहुत बढ़िया, पान खा के जो है, पान खाए हैं एकदम पूरा। हाँ कैसे? हाँ। बनारसी पान जो है, हाँ। खाए के पान बनारस वाला, हाँ। हो जाए अगर का ताला। व्हाट इज दिस? इज तो हमने कहा दिस इज अ इंडियन किंगडम। अच्छा तो ये इंडियन चिंगम है, तो मैं भैया से भी बात करना चाहूँगा, कैसे इसको बनाते हैं, जैसे बनाते हैं बनाइए, हम भी खाएंगे, क्या क्या डालते हैं बताते रहिएगा भैया। ये देखिए कत्था है, ये चूना, ये सोपाड़ी, जर्दा खाएंगे, मीठा खाएंगे, जर्दा खाएंगे, ये लीजिए सादी सुरती, ये मसाला, ये कीमाम। अच्छा ये लीजिए। अच्छा फिर इसको कैसे ऐसे तो ये लीजिए पान, हम खा लिए हैं बनारसी पान, अब हम बतियाएंगे भैया से कि जो बनारस का सबसे फेमस चीज़ है बनारसी पान, वो हम खाए हैं, भैया भी हमारे खाए हैं, अब बताइए पान खाने के बाद हमको किसी को मान लिया बहुत 1-2 हज़ार रुपये का काम है, बतियाना है तो ये मंत्री सांसद से बतियाना, कैसे बतियाएंगे, पान थूक देंगे? यहाँ में काम हो जाता है। ये जो परिदृश्य है, ये जो खुशी का माहौल है, ये आपको बनारस के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्या क्या तो जो सारी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, ये कचौड़ी गली में हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ पे पान भी खा लिए हैं, पकौड़ा भी खा लिए हैं और पूरा मस्ती में यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो रास्ता आती है, ये रास्ता सीधे मैदागिन से काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है, नहीं ठूका मर हम हूँ खेले ही, तो अब भैया भी मिल गए पान वाले, हम हूँ है पान वाले, अब खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का। अवधेश जी हमको एक जी मिल, इनका नाम है आपका? मेरा नाम है गोरखनाथ यादव। गोरखनाथ यादव जी, यहाँ का मान लिए पान हम खा लिए, जी जी बताए, हमको उसके बाद पकौड़ा घर के लिए पैक करवाना है, पान हम खाए हैं,
हमको लिए घर के लिए पकौड़ा और सारी चीज़ें पैक करवाना है, तो हम ऑर्डर कैसे देंगे? पान ठूंक देंगे कि नहीं? नहीं, पान नहीं ठूकेंगे, पान को मुंह में ही रखेंगे और कहेंगे कि भाई साहब हमारा चाट तो पकौड़ा पैक कर देवे, गरम कर दिए। पकौड़ा पैक कर रहा है? पकौड़ा पैक कर रहा कैसे? पकौड़ा पैक कर रहा। हम मान लो उनको सुनाई नहीं पड़ा, मान लो तो आपके मुंह में बुलबुल है। जब हमें जब वो सुनाई नहीं देगा तो उनको हम अबे के तौर पे उनको अबे कहेंगे, अबे चाटे पैक कर। तो ये प्रेम है, अबे चाटे पैक कर, अबे चाटे पैक कर, हमारा पकौड़ा पैक कर दिया। ये जो आप देखेंगे परिजत पान, ये परिजत देखेंगे हमारे साथ बहुत भैया मौजूद हैं, तो यहाँ लोकल भाषा में थोड़ा बात करना चाहेंगे। का नाम हो भैया तुम्हार? हमारा नाम है गोरखनाथ यादव। क्या कर हुआ? हम तो अभी पर पान खैली है, एक बार दोस्तन के बटियावट ली आप तो आप अकेला है। तो दोस्तन बटियावट हुआ तो कैसे बटे हुआ? ये मान ला इनके बटियावे के हमके का क्या का नाम हो तुम्हार? का नाम हो? हमार नाम भैया दिलीप यादव पड़ला। अच्छा, पूछे चाहत हुआ ही बताब। हम ही पूछे चाहत है कि बनारस अहिले है, बनारस में पकौड़ी गली कचौड़ी गली है, मान लो यहाँ खड़ा है मैं डागिन वाली रस्तवा पे, ठीक है ना? तो हम ही चाहते कि हमने पान खैले है, ओके बाद हमके घरे बटे कोनो सामान पैक करवावे के हो, तो पान तो बनाती टुकियन नहीं ना गुटका टुकियन, तो हम पान खैले खैले कैसे बोलब कि हमके पकौड़ा पैक करा? ये बतावा या पहली चीज की आप तो ही बता दी हम बनारस हो। अब बनारस में मुँह से कम और पनवा खा करके करके बतियावलन तो दुकानदारवा समझ जाला। हाँ, और आयल आयल वो हाँ पूछा कहा ढूंढन भैया पूछे तंबाकू आपका ढेर हो गया? तंबाकू अगर यहाँ बनारस में न चली तो कब बंदूक चली? अच्छा एक बार बढ़ाई क्या यहाँ सब गुरु हुआ केला कौनो ना हाँ और सब राजा हुआ हाँ बढ़ावा एकर का कॉन्सेप्ट हो ऐसा ना कि काशी है तीनों लोग से न्यारी काशी है, काशी में सब गुरु है गुरु सब चेला कोई नहीं। तो ये कौनों के बोला का गुरु कैसे बोलवा वहाँ जो कोई किसी को बुलाना है? हाँ कैसे बोलेंगे? अरे का यार आवा गुरु यार आवा चाय पान लड़े यार थोड़ा तो हो जाए। अब मान लो ये पान का दुकान है आवा चचा देखा चचा हमारे जाते हुआ ये पान का दुकान है इनके बोला कि आप पान लगावा के एक पान खिले भी है उसके ना बोला जाला कैसे बताई रुका का बे पान देवे कि नहीं एक मिनट इतना देरी खड़ा करेले पान उन देवे कि नहीं दुकान रही कि जाई आवा खान हाँ आवा यहाँ कहो हाँ तो फिर वो क्या बोलेंगे? अरे बोलिए तो दा ना देवा तब ना ले तो हटवा से छीन ले हम बढ़ावा लावा ला ये लावा पान लग गया आपको बड़े अब बढ़ाएं ला हम पान खिया बोल रही यार ला धन्यवाद आपसे। हाँ सुनना डेढ़ा भैया के यहाँ भी हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं तो बहुत ये जो लोकलिटी है बड़ा मजा आ रहा है बड़ा प्रेम आ रहा है चर्चा करण का भी डेवा की नहीं वो जो बनारसीपन है अखड़पन है वो आपको केवल बनारस में देखने को मिलेगा। यहाँ हड़का के भी प्यार है गाली दे के भी प्यार है और यहाँ चेला कोई नहीं है यहाँ सब गुरु हैं सब राजा हैं यहाँ कोई फकीर नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे आप यहाँ भैया कचौड़ी और पकौड़ी का मजा ले रहे हैं ये कैसा लग रहा है आपको साहब क्या है उसका? एकदम मस्त झक्कास ये बनारसी में बोले क्या कैसे बोल पाया? अरे एकदम मस्त है गुरु खाएदा इनका कहना खाएदा एकदम बढ़िया हो भैया अभी खा रहे हैं कैसे न बढ़िया एकदम लेकिन मैं हूँ हैदराबाद से। अच्छा तो कैसे बोलेंगे हैदराबादी भाषा में बोलिए एकदम किराक मस्त। या हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी ये बताइए बनारस में क्या क्या मशहूर है कैसे क्या अपनी भाषा में बताइए। ऐसा है भैया देखिए बनारस में तो सबसे पहले सुबह ही बनारस मशहूर है यहाँ पूरी कचौड़ी सब्जी जलेबी ये सब चीजें। इसके बाद नंबर आता है यहाँ की लस्सी का जो वर्ल्ड फेमस शॉप है आपकी ब्लू लस्सी और उसके बाद अब जाड़े का मौसम है ये यहाँ पे मलइयों का सीजन चलता है ये 6 महीना आपको मिलेगी लगातार। मलइयों कहाँ है यहाँ? मलइयों भैया इस समय टाइम खत्म हो गया है ये 2 बजे तक मिलती है इसके बाद फिर जो है यहाँ पे शाम होते होते शाम की डिश में आपके आ जाते हैं समोसे हैं आलू चाप है गोलगप्पा है
पलंग टोल है, पलंग टोल है, फिर रबड़ी मलाई ये सब आ जाती हैं। जो भीतरी आपको जो है शहर के अंदर आपको जो भीतरी महल जिसको कहा जाता पक्के मोहल्लों में मिलेगा, ये आपको रोड पे नहीं मिलेगी ये चीजें। बनारस को गलियों का शहर कहा जाता है, कहते हैं कि बनारस में जो बनारस है वास्तविक बनारस है वो गलियों का शहर है। इसका कुछ कंक्लूजन क्या है, गली का मतलब क्या है यहाँ का? गलियों का शहर है मतलब गली गली में मार्केट है, ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं गलियों का शहर है। मैं कहते हैं कि यहाँ गली कभी खत्म ही नहीं होती है, तो उसका क्या है, गलियाँ कैसे 80 से बढ़ना तक ये आज के शहर नहीं है, अंग्रेजों के जमाने का शहर है। यहाँ बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग चले गए। ये गलियों का शहर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ हर गली लोग, आज मोदी जी बना रहे इतना बड़ा, लेकिन काम आता है गली। जब कोई प्रशासन बड़ा अधिकारी आ जाता है तो गली ही काम आती है कि जिसको मालूम है। आप कहीं गली में घुसिए, किसी शहर में चल जाइए, लेकिन गली का निकास होगा या तो बंद होगा। इसीलिए यहाँ निकास है, बहुत जगह हिंदुस्तान के अंदर बंद है, लेकिन बनारस के गलियों का निकास भले मकान में से है लेकिन है। अब बाबा काशी की नगरी में पहला दर्शन बाबा काल भैरव का करिए, उसके बाद द्वितीय राजा साहब का करिए, राजा साहब बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा, विशालाक्षी मंदिर, संकट मोचन और दुर्गा जी, संकटा माता, यार आप चल जाइए, क्या नाम है, लाड भैरव, मृत्युंजय। यहाँ काशी प्राचीन नगरी इसलिए है कि यहाँ कण कण में शंकर है, हर घर में मंदिर है। अच्छा, काल भैरव बाबा के बारे में कुछ बताइए। काल भैरव बाबा में ये कि कोई बाबा काल भैरव को जब ब्रह्म दोष लगा तो बाबा विश्वनाथ ने उनको उंगली भर जगह दिया है, बाबा काल भैरव उंगली पर हैं, उनको इतनी जगह मिला। संकट मोचन भगवान को मग्घा में जगह मिला, जो कि उनको केवल रहने का अधिकार मतलब मिला कि आप यहाँ संकट मोचन में रहकर देखभाल करिए। और यहाँ जिसको किसी भी प्रकार का किसी भी दुख, दलिद्र, ब्रह्म हत्या कुछ भी हो तो बाबा काल भैरव का दर्शन करने से उनकी संकट पूरा कट जाता है। अच्छा भैया बताइए, बाबा विश्वनाथ के बारे में, संकट मोचन जी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, संकट मोचन महाराज जी वहाँ पे तो उनका हनुमान जी का मंदिर है, वीर का मंदिर है, वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, और जो यंग लड़के रहते हैं वो ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, बाबा विश्वनाथ जी तो यहाँ के राजा ही हैं और कण कण में हैं, तो बाबा विश्वनाथ जी का अपना एक अलग है। और यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं सारे लोग लिंग के रूप में ही पूजे जाते हैं, चाहे वो देवी हों चाहे वो देवता हों, उनका एक लिंग स्वरूप बनारस के अंदर एक ऐसा पूरे इंडिया में है जहाँ पे लिंग स्वरूप में ही पूजा जाता है। अच्छा, एक चीज़ हम और देखे, बनारस में जब से सब कोई भी आता है तो यहाँ का चाहे बड़ा हो चाहे छोटा सम्मान सबको देता है, सम्मान। तो यहाँ जैसे जिसको कहते हैं लंठई, इस भाषा में जैसे किसी से बतियाना हो तो कैसे बतियाएंगे आप? देखिए, गुरु का हाल हो, का गुरु का हाल हो, लंठई का मतलब कि प्रेम की भाषा से, यहाँ की भाषा प्रेम की भाषा है, और जो कि प्रेम से यहाँ सारे लोग रहते हैं। गंगा जमुना तहजीब के यहाँ माना जाता है कि हर आदमी, अगर होली भी आता है तो पहले लोग यहाँ के लोग गाली बकते हैं, होली आ रहा है। तो आप कैसे कही? अरे यार गुरु सब चका चाखा, तो आप पूछे कुछ इनसे, का गुरु का हाल हो, चका चाखा यार गुरु। हमारे बनारसी चका चक लोग रहे, यहाँ पर एक होता राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, और पूरे बनारस की जनता केवल गाली सुनने के लिए आती रही। अब विदेश तक में लोग आते रहे गाली सुनने के लिए, लेकिन गाली में गाली नहीं, गाली का सब इसमें टीवी चैनल है, गाली नहीं, जो नहीं नहीं नहीं, नहीं। कविता के रूप में लोग पाठ पढ़ते थे, और देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक से एक दिग्गज नेता को इस भाषा में गाली देते थे कि उनको अच्छा लगता था कि हमको लोग इसे। बनारस में होली होता है, होली में यहाँ क्या होता है, जो हमारे महाजन यहाँ के रहे, पहले लोग रंग और गोबर या कोट के जिससे ताकि होली खेल लिए, फिर उनको बाकायदे कपड़ा पहना कर विदा करते थे। ये दुल्हन की कोठी गोल घर में ऐसा कार्यक्रम चलता था, अंधेरी कोठी के नाम से एक है, पहले लोग उनको पूरा पोत पात परेशान हो गया, लेकिन बाद में उनको कपड़ा पैंट पुजामा बुसरत कुर्ता पहना कर उनको विदा किया जाए। ये बनारस की तहजीब है। अच्छा एक दादाजी और बात बताइए हमसे, जैसे आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद में आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपके मित्र चार मित्र मिल गए, आपको दूर से बहुत दूर से आवाज़ देनी है, बहुत दूर से, क्या आवाज़ देंगे उनको? बोलिए ना, कैसे बोलेंगे? नहीं नहीं भाई, आप बताइए कैसे बोलेंगे? हाँ सुनिए कैसे बोलेंगे, काबे सुनत नहीं हुआ अरे खड़ा। तो ये जो अपनापन है, जो
के हैं ये बनारसी अंदाज की गाली है। अच्छा, बुरा नहीं मानने वाले, इस पे बुरा लोग नहीं मानते, बुरा नहीं मानने वाले। नहीं, अच्छा चलिए, तो आप लोगों से पुराने लोगों में, नया में नहीं, पुराने लोगों में, पुराने लोगों में। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो आप कभी बनारस आइए, बनारस के लोकल लोगों से मिलिए। यहाँ सारे हिंदुस्तान के गुरु ही पैदा होते हैं, इसलिए सारे गुरु हैं, तो कोई बात का चिंता नहीं करना है। हमने आपकी माया उसी से सब कोई जग में आया है। हमने बिना दिल्ली बम्बई, बिना लिंग के कोई दुनिया ही नहीं। नहीं, हमने दिल्ली बम्बई मतलब हर जगह गए हैं। वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप किसी से भी पता पूछेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं बताता। आप किसी बनारसी से अगर पता पूछेंगे तो वो आपको इतना समय देगा जितने समय में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अच्छा। आप परेशान हो जाएंगे कि बस कर भाई, हम पहुँच गई ली। ये तो मतलब बनारसियों की खासियत होती है। अच्छा, कि लोगों के प्रति जुड़ाव का सही। और आप अगर खाली पेट हैं, आपका पर्स हो गया, तो ये आपकी मदद भी करते हैं, उस स्थान की व्यवस्था भी करते हैं। अच्छा, अब जैसे खाने की बात कर दिए, पेट की बात कर दिए, माँ अन्नपूर्णा। जी जी, लोग कहते हैं कि जब तक काशी में माँ अन्नपूर्णा है, विराजमान है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, नहीं सोता। तो इसकी वास्तविकता क्या है दादाजी, बताइए। भूखा नंगा सोहत न कोई, जो माँ अन्नपूर्णा के दरबार में कोई भी व्यक्ति आता है, यहाँ भूखा नंगा नहीं सोता। यहाँ शाम, सुबह से शाम तक आप अकेले बैठ जाए कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन माँ अन्नपूर्णा स्वयं किसी न किसी रूप में आपको, किस रूप में भेजेंगी ये उनका रूप नहीं जानता, लेकिन कोई न कोई दाता आपको पहुंचा जाएगा, आपका आत्मा प्रसन्न हो जाएगा। और एक बार काशी की नगरी में मनगंगा घाट है, मनगंगा घाट है जो बाबा शमशान का घाट है, हरिचंद घाट है। घूमने के लिए कहें ना कि यहाँ महीनों लग जाएगा, लेकिन पूरा घूमने लोग नहीं पाएंगे। अन्नपूर्णा जी की महिमा के बारे में, अन्नपूर्णा जी की यही महिमा बताए ना कि यहाँ भूखा नंगा सोहत कोई नहीं, बाबा भोलेनाथ के बगल में अंदर बैठी है, और माँ अन्नपूर्णा ने सबको दिया है, और पूरे विश्व को यहाँ से प्रदान करती है, और विश्व के लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं। माता का आशीर्वाद से ही आप यहाँ आके खड़ा होकर इतना क्वेश्चन कर रहे हैं और मेला लगा रहे हैं, ये भी उन्हीं का कृपा है। क्या काम है उनका, काम है ऐड करने का भाई, भोलेनाथ की ही देन है कि जो भिक्षा अगर मांगते नहीं तो दुनिया में हम लोग को अन्न मिलने का स्थान नहीं रहता। वो भिक्षा मांगे जग के लिए मांगे थे, अपने लिए नहीं। बाबा भी भिक्षा मांगे थे, भोजन के लिए मांगे थे, बिन भोजन के तो दुनिया नहीं है। पैसा खा के तो कोई जिएगा नहीं, हीरा मोती खा के तो कोई जिएगा नहीं। बाबा के दरबार में एक श्लोक पढ़ा जाता है आरती के बाद में, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। तो ये महिमा है यहाँ पे, साक्षात माँ अन्नपूर्णा से बाबा स्वयं भिक्षा मांगते हैं। जब हमारे जब पूरे ये बाबा जब भोलेनाथ उनसे भिक्षा मांगते हैं, तो इतने ही से महिमा से समझ लीजिए, यहाँ पे हर रोज किसी न किसी रूप में भंडारा, किसी न किसी रूप में पूजा, और किसी न किसी रूप में जो मतलब बाहर से लोग आते हैं या जो यहाँ के धन पशु रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भंडारा कराते हैं। खिचड़ी बाबा में चले जाएंगे वहाँ पे भंडारा होता है, ललिता घाट पे चले जाएंगे वहाँ पे भंडारा होता है, माँ अन्नपूर्णा के दरबार में 24 आपका समझ लीजिए कि दिन हर डे कोई भी जाए भर पेट भोजन करके आए। बाबा का भी भोजनालय खुल गया है, वहाँ पे जाइए फ्री में आप मतलब आपका करके। कहना है कि काशी में अगर कोई आया है तो वो भूखे पेट नहीं सोएगा। यहाँ पे एक दूसरे के लोग जिसे बोलते हैं कि जाते ही या प्रणाम नमस्ते, यहाँ पे लोग बोलते हैं एक दूसरे को महादेव, जैसे कि हम मिले अरे महादेव भैया है, या तो फिर जब जब जाते हैं तो उनको भी बोला जाता है जाने के तौर पे महादेव, ये हमारे महादेव की कृपा है। हाँ, ये हमारे जयकारा कैसे लगाते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरि। जय हो, जय हो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, अंतिम स्वरूप रहा काशी की गलियों का, और काशी के लोगों से बात की हमने, और जाना कैसे वास्तविकता है, लोग कैसे प्रेम से यहाँ रहते हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ मैं मधुकर वाजपेयी, एचएस न्यूज। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।